हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, ड्रेनेज। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। यानी कोई भी एरिया में रिवर सिस्टम कैसा है उसे ड्रेनेज कहते हैं। रिवर सिस्टम में एक मेन रिवर होती है और बहुत सारी छोटी रिवर्स जो मेन रिवर से जाके मिल जाती है और ये फाइनली कोई लेक, ओशन या सी में बह जाती हैं। तो रिवर सिस्टम जो भी एरिया ड्रेन करती है वो होता है ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। इंडियन रिवर्स दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। ये दोनों तरह की रिवर्स एक दूसरे से काफी अलग हैं। पहले बात करते हैं हिमालयन रिवर्स की। ये रिवर्स पेरेनियल होती हैं, मतलब कि इसमें साल भर पानी रहता है, या तो बारिश से या फिर माउंटेन्स में जो स्नो है उसके मेल्ट होने की वजह से। हिमालयन रिवर्स बहुत लंबा पार ट्रैवल करती हैं और रास्ते में इंटेंसिव इरोशनल एक्टिविटी करती हैं, जिसकी वजह से अपर कोर्स में वो बहुत सारा सिल्ट और सैंड कैरी करती हैं और मिडिल और लोअर कोर्स में मियांडर्स, ऑक्सबो लेक और बहुत से डिपोजिशनल फीचर्स बनाती हैं। इनका वेल डेवलप्ड डेल्टा होता है। ऑन द अदर हैंड, पेनिनसुलर रिवर सीजनल होती हैं। इनका फ्लो रेनफॉल पे डिपेंड करता है। ड्राई सीजन में जो बड़ी रिवर्स हैं उनका भी वाटर फ्लो कम हो जाता है क्योंकि उस समय बारिश ही नहीं होती। इनका कोर्स छोटा और शैलो होता है as compared to Himalayan rivers। ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर वेस्टर्न घाट्स में ओरिजिनेट होती हैं और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं। हिमालयन रिवर्स, हिमालय की तीन मेजर रिवर्स हैं, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलो हम लोग इन तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। इंडस, इंडस रिवर मानसरोवर लेक जो कि टिबेट में है वहाँ से शुरू होती है और ये वेस्ट की तरफ से इंडिया में एंटर करती है लद्दाख से, और यहाँ पे बहुत ही लुभावना गॉर्ज बनाती है। फिर ट्रिब्यूटरीज जैसे जशकर और श्योक इसमें मिलती हैं और फिर ये बाल्टिस्तान और गिलगित रीजन में जाती है और वहाँ से पाकिस्तान में चली जाती है। यहाँ इसमें चेनाब, झेलम, सतलुज, ब्यास और रवि आके मिल जाती हैं। इसके बाद वो साउथवर्ड जाती है और अरेबियन सी में मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है। गंगा रिवर, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से भागीरथी निकलती है और ये ज्वाइन करती है अलकनंदा को देवप्रयाग में, और इन दोनों नदियों के संगम से गंगा बनती है। हरिद्वार में गंगा माउंटेन से प्लेन्स में आती है। हिमालय से आने वाली कई नदियाँ गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे यमुना जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से आती है और गंगा के पैरेलल फ्लो करती रहती है और गंगा के राइट बैंक में उसमें समाहित हो जाती है प्रयागराज में। गंगा में नेपाल हिमालय से भी नदियाँ आके मिलती हैं, जैसे घाघरा, गंडक और कोसी। ये रिवर नॉर्दर्न प्लेन में हर साल बाढ़ लाती हैं, जिससे सॉइल तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए एनरिच होता है पर उसके साथ ही लाइफ एंड प्रॉपर्टी का भी बहुत नुकसान होता है। मेन रिवर्स जो पेनिनसुलर अपलैंड से आती हैं और गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं वो है चंबल, बेतवा और सोन। तो राइट और लेफ्ट बैंक दोनों तरफ से रिवर्स से वाटर लेने के बाद गंगा ईस्ट की तरफ चलती है टिल फरक्का इन वेस्ट बंगाल। यहाँ रिवर बाइफरकेट हो जाती है भागीरथी और हुगली में। हुगली कोलकाता से जाते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। जो मेन स्ट्रीम है वो बांग्लादेश में जाके ब्रह्मपुत्र से मिलके मेघना रिवर बना लेती है और फिर ये रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। इन रिवर का जो डेल्टा बनता है उसको सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। गंगा की लेंथ 2500 किलोमीटर है। वाटर डिवाइड, जब कोई हिल, माउंटेन या एलिवेशन दो ड्रेनेज बेसिन को अलग करे उसको वाटर डिवाइड बोलते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम का वाटर डिवाइड हरियाणा में अंबाला है। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र टिबेट से आती है फ्रॉम मानसरोवर लेक। इसकी लेंथ इंडस रिवर से ज्यादा है। इसको टिबेट में सांगपो कहते हैं। टिबेट से आते हुए रिवर में बहुत ही कम वॉल्यूम होता है वाटर का और सिल्ट भी कम होता है क्योंकि ये कोल्ड और ड्राई एरिया है। ये हिमालय से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है और नामचा बरवा आते ही यू टर्न लेती है और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे इसे दिहांग कहते हैं। फिर ये दिबांग, लोहित और कई नदियों से मिलती है और असम में जाके ब्रह्मपुत्र कहलाती है। इंडिया में क्योंकि ये रीजन में बहुत बारिश होती है इसलिए रिवर में बहुत वॉल्यूम हो जाता है पानी का और सिल्ट का। असम में ब्रह्मपुत्र रिवर ब्रेडेड चैनल बनाती है और बहुत से रिवराइन आइलैंड भी बनाती है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। हर साल बारिश के मौसम में रिवर ओवरफ्लो हो जाती है और तबाही मचाती है असम और बांग्लादेश में।
पेनिनसुलर रिवर्स। अब हम बात करते हैं पेनिनसुलर रिवर्स की। पेनिनसुलर इंडिया का मेन वाटर डिवाइड है वेस्टर्न घाट्स, जो कि वेस्टर्न कोस्ट की तरफ है नॉर्थ से लेकर साउथ तक। ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स ईस्ट की तरफ बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। बहुत ही छोटी रिवर्स वेस्ट की तरफ जाती हैं वेस्टर्न घाट्स के। नर्मदा, तापी ही सिर्फ बड़ी रिवर हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं और एस्चुरीज बनाती हैं। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश में अमरकंटक हिल से निकलती है और फॉल्टिंग की वजह से जो रिफ्ट वैली बनी है, नर्मदा रिवर उसमें ही बहती है। अपने रास्ते में जाते वक्त नर्मदा बहुत सी विजुअली अट्रैक्टिव लोकेशन बनाती है, जैसे मार्बल रॉक्स और धुआंधार फॉल्स। फिर नर्मदा फाइनली अरेबियन सी में बह जाती है। तापी रिवर। तापी मध्य प्रदेश से आती है सतपुरा रेंजेस से। ये भी रिफ्ट वैली में से बहती है और नर्मदा के पैरेलल फ्लो करती रहती है। ये नर्मदा रिवर से छोटी होती है लेंथ में। जो मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो है साबरमती, माही एंड भारतपुड़ा। गोदावरी रिवर। ये महाराष्ट्र के नासिक में वेस्टर्न घाट्स के स्टॉप से शुरू होकर बे ऑफ बंगाल तक जाती है। गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया में लार्जेस्ट रिवर है, जिसकी वजह से इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है। गोदावरी बहुत सी ट्रिब्यूटरी से जुड़ी है, जैसे पूर्णा, वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा, प्राणहिता और मांजरा। महानदी रिवर। महानदी छत्तीसगढ़ के हाईलैंड से शुरू होती है, ओडिशा से बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाती है। इस रिवर की लेंथ 860 किलोमीटर है। कृष्णा रिवर। ये महाबलेश्वर से शुरू होती है और 1400 किलोमीटर बहकर बे ऑफ बंगाल आती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, मूसी और घाट प्रभा है। कावेरी रिवर। वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी रेंज से आती है और तमिलनाडु के कुड्डलोर होते हुए बे ऑफ बंगाल जाती है। इसकी टोटल लेंथ 760 किलोमीटर है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी, हेमावती और कबानी है। कावेरी रिवर शिव समुद्रम वाटरफॉल्स भी बनाती है। ये तो रही बिग रिवर्स की बात। बहुत सी स्मॉल रिवर्स भी हैं जो ईस्ट की तरफ जाती हैं, जैसे दामोदर, सुबर्णरेखा, ब्राह्मणी और बैतारणी। अभी तक तो हमने इंडिया की रिवर्स की बात की, अब हम इंडिया की लेक्स के बारे में बात करते हैं। इंडिया में बहुत तरह की लेक हैं, जैसे डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकतक, बारापानी, कुल्लेरू। कुछ परमानेंट हैं, कुछ में सिर्फ रेनी सीजन में पानी होता है। कुछ लेक्स ग्लेशियर्स और आइस शीट्स के एक्शन की वजह से बनती हैं, जबकि कुछ विंड, रिवर और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से। कोस्टल एरियाज में भी कई लेक हैं, जैसे चिल्का लेक, पुलिकट लेक। हमारे यहाँ सांभर लेक भी है राजस्थान में। ये सॉल्ट वाटर लेक है। यहाँ का पानी सॉल्ट बनाने में यूज होता है। इंडिया की ज्यादातर फ्रेश वाटर लेक्स हिमालयन रीजन में होती हैं। ये ग्लेशियर्स से बनी हुई होती हैं। वूलर लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से बनी है। ये इंडिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। नेचुरल लेक्स के अलावा डैम्स बनाने की वजह से भी लेक्स बनती हैं, जैसे गुरु गोबिंद सागर या भाकरा नांगल प्रोजेक्ट। लेक्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल हैं। ये रिवर वाटर को रेगुलेट करती हैं। बारिश के मौसम में ये बाढ़ से बचाती हैं और गर्मी के मौसम में पानी का कांस्टेंट सप्लाई मेंटेन करती हैं। लेक्स हाइडल पावर को भी डेवलप करने में हेल्प करती हैं। ये क्लाइमेट को मॉडरेट करती हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम मेंटेन करती हैं, नेचुरल ब्यूटी बढ़ाती हैं, रिक्रिएशन और टूरिज्म में भी हेल्प करती हैं। सिमिलरली रिवर्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। नदियों का पानी हमारे लिए सबसे बेसिक नेचुरल रिसोर्स है। हमारी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए हम वाटर यूज करते हैं। नदी का पानी इरिगेशन, नेविगेशन और हाइड्रो पावर जनरेशन में यूज होता है, बट बिकॉज हमें नेचर की कोई फिक्र नहीं है तो हमने इस जीवन देने वाली नदियों को बर्बाद कर दिया है। डोमेस्टिक, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल डिमांड बढ़ रही है पानी की, जिसकी वजह से रिवर से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी निकाला जा रहा है और रिवर में पानी कम हो रहा है। और दूसरी तरफ इंडस्ट्रीज के एफ्लुएंट्स और सीवेज वाटर में बिना ट्रीट करे डायरेक्टली रिवर में छोड़ दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से ना केवल पानी की क्वालिटी खराब हो रही है, बल्कि रिवर अपने आप को सेल्फ क्लेंस भी नहीं कर पा रही। और कई भी कारणों की वजह से नदियों का पानी खराब हो रहा है, जैसे इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइजिंग पोल्यूशन। तो हमें इन सब चीजों को देखकर इससे निपटने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हमारी नदियाँ और झीलें साफ सुथरी रह सकें। So it is the end of the video. Thank you so much for watching and bye everyone.